डॉक्टर अनिल शर्मा, क्योंकि अभी हमारे पास इस वेरिएंट के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, इसलिए क्या हमें इस वायरस को हल्के में लेना चाहिए? सिंगापुर से भी खबर आ रही है कि वहां भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, वहां की एजेंसीज भी कह रही हैं, या क्योंकि WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है, इसलिए बिल्कुल हल्के में ना लें, सख्ती बरती जाए। और आप तो वहां से हैं सर, महाराष्ट्र में, जहां कई संदिग्ध मिले हैं जिनके भी पुष्टि होनी बाकी है कि वो ओमिक्रॉन से पीड़ित है या नहीं है, क्या करें सर इस स्थिति में? बिल्कुल अभी हल्के में ना लें, और ये बिल्कुल भी गलतफहमी ना पालें कि ये ठीक हो जाएगा डेल्टा से कम्पीट करके और कोविड को हटा देगा, नहीं तो एक गलत मैसेज जाएगा लोगों में, लोग जानबूझ के मास्क हटा के इन्फेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं है, अभी तक इतनी जानकारी है कि ये फैलता बहुत तेजी से है और शायद कम जानलेवा हो सकता है, लेकिन अभी भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बार बार धोते रहना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है, वो बराबर से हमको ध्यान रखना है। और एक बात जो है वैक्सीन के बारे में, जितने भी जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं वो तो सब वैक्सीन लगाने के बाद ही आते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर ये फैल रहा है तो ये बात मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं तो फिर किस तरह से कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद ये वायरस नहीं हो सकता है, क्योंकि वही लोग फैला रहे हैं जो वैक्सीन लेके ही आते हैं इंटरनेशनल। वैक्सीन को लेकर भी अब दूसरे देशों में तो बूस्टर डोज शुरू हो गई। डॉक्टर राजू व्यास, आपका क्या कहना है इस पर, क्या सेकेंड डोज में हमें अब तेजी से युद्ध स्तर पर जुड़ जाना चाहिए सभी को वैक्सीन से कवर अप करने के लिए? जी, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका के जो डेटा आज के कुछ मैंने देखे थे, उसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो करीब करीब वहां पे जो भी एडमिशंस हॉस्पिटल्स में हुए हैं, वो दो प्रकार के लोग मरीज एडमिट हुए हैं। एक वो लोग थे जिनको सिंगल डोज वैक्सीनेशन लगा हुआ था, नंबर वन, और नंबर टू वो लोग हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। ये दो मेजर कंपोनेंट है, और अगर एज ए होल देखा जाए तो उनके यहाँ पे जो थर्ड वेव आई थी उसके अंदर 50 से उम्र में जो लोग बड़े थे वो ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन अब ये जो चौथी वेव साउथ अफ्रीका में आई है इसमें अंदाजन सारे जो मरीज हैं वो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। इसमें से करीब करीब 11% बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है, तो ये हमारे लिए बहुत आई ओपनर की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी हमारे हिंदुस्तान में डबल डोज वैक्सीनेशन को जितना तेजी से हो उतना तेजी से चलाना होगा। सिंगल डोज वैक्सीनेशन से हम ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होने से बच नहीं सकते, और स्पेशली वो लोग जिनको वैक्सीनेशन नहीं लग सकता, 14 साल से उम्र में जो कम है या जिनको अभी कोविड के टीके नहीं लगे हैं, वो इस पूरे उस ग्रुप में आते हैं जिनको इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।